महाशिवरात्रि पर शिव जी को चढ़ाए ये चीज जरूर होगी मनोकामना पूर्ण। इस साल 8 मार्च को महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। इस दिन अगर भोलेनाथ की आराधना करेंगे तो उनकी पूजा का फल कई गुना बढ़ जाएगा। वैसे तो भगवान भोलेनाथ ऐसे देव हैं जो थोड़ी सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि संहारक के तौर पर पूज्य भगवान शंकर बड़े दयालु हैं। उनके अभिषेक से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए महाशिवरात्रि पर ये चीजें चढ़ाना बहुत जरूरी है। नंबर 1, भांग। भांग शिव जी का प्रिय पदार्थ है। भांग शीतलता प्रदान करता है। धार्मिक कथा के अनुसार जब शिव जी ने अलाहल विष पी लिया था तब उनकी व्याकुलता मिटाने के लिए उन्हें भांग औषधि के रूप में खिलाई गई थी। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर शिव को भांग चढ़ाने से गंभीर रोग भी खत्म हो जाता है। इसके लिए भांग के पत्ते को पीसकर दूध में मिलाएं और उससे महादेव का अभिषेक करें। नंबर 2, गेहूं। संतान प्राप्ति के लिए भोलेनाथ को एक मुट्ठी गेहूं अर्पित करें और फिर निसंतान दंपति शिव चालीसा का पाठ करें। कहते हैं इससे घर में जल्दी ही किलकारी गूंजती है। नंबर 3, मदार की फूल। मदार का पुष्प व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाता है। शिवजी को मदार पुष्प अर्पित करें, इससे जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 4, अक्षत। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को एक मुट्ठी चावल बिना टूटे अक्षत अर्पित करें। मान्यता है कि धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए ये उपाय अत्यंत लाभकारी है। नंबर 5, गन्ने का रस। जीवन में ग्रहों के अशुभ प्रभाव से कष्ट झेल रहे हैं या तरक्की प्रभावित हो रही है तो महाशिवरात्रि पर गन्ने के रस से शिवजी का अभिषेक करें। इस दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। नंबर 6, घी। विवाह में विलंब हो रहा है, मनचाहा जीवन साथी पाने की इच्छा पूर्ति के लिए घी से शिवलिंग का अभिषेक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।